हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी सोशल साइंस की मैम जॉन मैम बोल रही हूँ। और एक बार फिर से मैं सभी 9 क्लास के बच्चों का ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। और पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी का यानी सामाजिक विज्ञान भूगोल में हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे थे, अपवाह, है ना। तो अपवाह के हम लोगों ने दो भाग पढ़ लिए थे। आज हम लोग अपवाह का तीसरा भाग और अंतिम भाग पढ़ेंगे। आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोगों ने पिछले दिनों जो पढ़ा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। तो पिछले दिन हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी इस लेसन में, वो था भारत में अपवाह तंत्र, है ना। तो अपवाह तंत्र में हम लोगों ने दो भागों में बटा है अपवाह तंत्र भारत का, हिमालय की नदियों का तंत्र और प्रायद्वीप नदियों का तंत्र। तो हिमालय की नदियों का तंत्र जो है ये हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों का तंत्र और उसके बाद भारत में पाई जाने वाली झीलों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का तंत्र। तो प्रायद्वीप नदियों का जो तंत्र है वो तंत्र जो हमारी पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है ये जल विभाजक का काम करती है। प्रायद्वीप नदियों का तंत्र जो है उसको ये पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है ये जल विभाजक का काम करती है। यानी ये इस तंत्र को, प्रायद्वीप नदियों के तंत्र को कहें तो दो भागों में बांट देती है। एक भाग इसका हो जाता है जो पश्चिम की ओर नदियां गिरती हैं, पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं, और दूसरा जो इसका भाग होता है वो कहलाता है, उसको हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का तंत्र। तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का तंत्र है बच्चों, उसमें नदियां जो हैं वो पश्चिम दिशा में बहती हैं, है ना, पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती हैं। और जो बंगाल की खाड़ियों की नदियों का तंत्र है इसमें सभी नदियां, ये जितनी आप नदियां देख रहे हैं ये सब पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो प्रायद्वीप नदियों का जो तंत्र है या नदियाँ हैं उनको कौन सा जल विभाजक दो भागों में बांटता है? तो यहाँ है ना पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जो उत्तर से दक्षिण फैली हैं, तो ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी जो है वो जल विभाजक का काम करती है। किसके लिए? प्रायद्वीप भारत की नदियों को दो भागों में बांटने में। तो चलते हैं आगे बच्चों। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जल विभाजक क्या है, प्राय पश्चिमी घाट की पहाड़ी जो प्रायद्वीप भारत की नदियों को दो बार भागों में बांट देता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो किधर हमने बताई, पश्चिम में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ जो पूरब में बहती हैं और कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो जो पश्चिम में नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं उसमें नर्मदा, ताप्ती, ये सबसे बड़ी नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जिसमें साबरमती है, माही है, पेरियार है, भरतपुजा है। ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं उनमें हैं आपकी, इधर चलें तो हम गोदावरी है, है ना, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है, स्वर्णरेखा है, दामोदर है, है ना। ये सभी नदियाँ पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आपने देखा कि प्रायद्वीप भारत की सभी नदियाँ एक ही दिशा में नहीं बहती हैं, कुछ पश्चिम में बहकर अरब सागर में गिर रही हैं और कुछ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी
पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यही नहीं बच्चों, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी नदियां हैं ये सब डेल्टा बनाती हैं। समुद्र में गिरने से पहले ये सब क्या बनाती, डेल्टा, डेल्टे का निर्माण करती हैं। जबकि पश्चिम की जो बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और भी जो नदियां हैं, वो कोई भी डेल्टा नहीं बनाती, ये सब सीधे डायरेक्ट समुद्र में जाकर मिलती हैं। और इनका जो चौड़ा मुहाना होता है, इस चौड़े मुहाने को बोला जाता है ज्वार नद मुख। क्या बोलते हैं? ज्वार नद मुख, है ना, मुख, ज्वार नद मुख, जिसको हम इंग्लिश में एस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। तो एस्चुरी का मतलब होता है नदी का चौड़ा मुहाना। तो ये सब डेल्टा बनाती हैं और ये सब ज्वार नद मुख बनाती हैं, यानी एस्चुरी बनाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग की सबसे पहली जो प्रायद्वीप नदियों का तंत्र है, उसमें सबसे पहले नदी आती है वो है पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी। तो हम लोग हर नदी का देखेंगे कि कहाँ से निकली है, उसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, लंबाई क्या है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये सब हम लोग हर नदी में पढ़ेंगे। तो नर्मदा नदी का सबसे पहले देखेंगे उद्गम, नर्मदा निकली कहाँ से। तो नर्मदा का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी के निकट है। कहाँ पर है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी के निकट है नर्मदा का उद्गम। यहाँ से ये निकलने के बाद क्या होती है, पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। यानी अमरकंटक से निकलने के बाद पश्चिम बहती है और अरब सागर में गिर जाती है, है ना। यानी मध्य, इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और गुजरात में, गुजरात में ज़्यादा नहीं है, गुजरात के कुछ भागों में है, लेकिन ज़्यादातर इसका प्रवाह कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चले तो इसका प्रवाह कहाँ है, प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात में। ये नदी बच्चों एक भ्रंश घाटी से बहती है, है ना, रिफ्ट वैली से, है ना, एक गौर से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से नर्मदा भी बहती है और ताप्ती, ये दोनों नदियां भारत की भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो किन दो राज्यों में इसका प्रवाह है? मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, गुजरात में कम है। नर्मदा की लंबाई लगभग जो है 1312 किलोमीटर, यानी उद्गम से लेकर समुद्र में गिरने तक इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो नर्मदा में बड़ी कोई सहायक नदी नहीं मिलती, छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं जो नर्मदा नदी से समकोण पर आकर क्या होती हैं, मिलती हैं। समकोण मतलब जैसे ये नर्मदा है तो एक छोटी नदी इधर, एक छोटी नदी इधर, इधर, तो समकोण पर क्या होती है, नदियाँ इस पर आकर मिलती। तो इसकी कोई बड़ी सहायक नदी नहीं है, सब छोटी छोटी नदियाँ हैं और ये सभी नदियाँ इससे समकोण पर आकर मिलती। नर्मदा के किनारे क्या कोई दर्शनीय स्थल है? तो नर्मदा के किनारे घर दर्शनीय स्थल भी हैं बच्चों। मध्य प्रदेश में नर्मदा जब जबलपुर में बहती है तो वहाँ चूँकि पठारी क्षेत्र है तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत सुंदर जलप्रपात बनाती है और उस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। इसके अलावा जो संगमरमर का पूरी शैल पाई जाती जबलपुर में, तो संगमरमर की शैलों को काट कर उसने गहरी घाटी का निर्माण किया है जिसको हम गॉर्ज के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई हमारी अरब सागर में यानी पश्चिम की ओर बहने वाली पहली प्रायद्वीप पे भारत की नदी नर्मदा। अब कौन सी नदी आती है, दूसरी नदी, वो है ताप्ती। नर्मदा के दक्षिण में ही, नर्मदा के समानांतर ही जो दूसरी नदी बहती है वो है ताप्ती नदी। आप देखेंगे ये भी पश्चिम से बहती है और अरब सागर में मिलती है। तो नर्मदा के दक्षिण में है और नर्मदा के समानांतर ही बहती है, ठीक है। और ये भी बच्चों, जैसे ये भ्रंश घाटी में बहती है उसी तरह ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा का ताप्ती का उद्गम कहाँ से है? तो ताप्ती, इसको तापी भी बोलते हैं, कभी कभी बोर्ड में इसको ज़्यादातर तापी के नाम से पूछा जाता है।
वैसे इसको ताप्ती भी बोलते हैं। ताप्ती या तापी एक ही नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में बैतूल जिला, है ना, बैतूल जिला है उसमें सतपुड़ा की पहाड़ियों से हुआ है। कहाँ से निकली है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है बच्चों? तो सतपुड़ा की पहाड़ी जो ये नर्मदा और ताप्ती हैं इनके बीच में है यहाँ सतपुड़ा, है ना, ये पूरा सतपुड़ा रेंज है इधर। तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से ये क्या हुई है? निकली हुई है, है ना। और इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई लगभग 740 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, कहाँ ये बहती है? तो ताप्ती नदी जो है ये अभी हमने बताया कि नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में, है ना, जैसे भ्रंश घाटी में नर्मदा बहती वैसे ही भ्रंश घाटी में ये भी बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र तीन राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, है ना। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तीन राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो पाया जाता है। तो ताप्ती में भी कोई बड़ी सहायक नहीं मिलती हैं, छोटी सहायक नदियां जो हैं वो आकर मिलती हैं। तीसरी जो है, तो ये दोनों नदी कौन सी हो गई बच्चों? नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। और कहाँ गिरती हैं ये? अरब सागर में। इनके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाए। अब जैसे साबरमती, माही, साबरमती माही ये दोनों गुजरात में हैं। और इधर देख रहे नीचे दक्षिण में बहते हुए ये खंभात की खाड़ी है, यानी अरब सागर का ही हिस्सा जिसको हम बोलते हैं खंभात की खाड़ी, यहाँ गिरती हैं। इधर आइए दक्षिण में तो पेरियार है, भरतपूजा है, ये भी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। ये कहाँ है? केरल में। केरल में ये पेरियार और भरतपूजा नदियाँ हैं जो छोटी छोटी। भरतपूजा तो केरल की बहुत मुख्य नदी मानी, महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है ना, और पेरियार दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो ये दोनों छोटी नदियाँ हैं इस पश्चिमी तट की जो अरब सागर में क्या होती हैं? गिरती हैं। अब चलते हैं, दूसरा आता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये है आपकी गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी बंगाल की पूरब की ओर बह रही है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब गोदावरी को जो कहा जाता ना कि ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, है ना, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। और प्रायद्वीप भारत की नदियों में गोदावरी का जो तंत्र है, गोदावरी नदी का जो तंत्र है, द्रोणी है, वो सबसे बड़ा कि सबसे बड़ी द्रोणी है। प्रायद्वीप नदियों की द्रोणियों में या तंत्र में गोदावरी नदी का जो तंत्र है या द्रोणी है ये सबसे बड़ा है। और गोदावरी जो है वो क्या है बच्चों? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, आकार बहुत ज़्यादा है, इसलिए गोदावरी को प्रायद्वीप भारत की या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते, गोदावरी निकली कहाँ से है? तो गोदावरी का उद्गम जो है वो महाराष्ट्र में नासिक है। नासिक का नाम आपने सुना होगा, मुंबई के थोड़ा आस पास में है। तो नासिक ज़िले में पश्चिमी घाट के ढालों से हुई है। नासिक ज़िले में पश्चिमी घाट, यहाँ है लगभग आपका नासिक ना, तो नासिक में ये पश्चिमी घाट, ये पूरी पश्चिमी घाट की पहाड़ी है जो हमने लाल लाल लाइन की है। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी के ढालों से ये नदी क्या होती है? निकलती है, ठीक है। और फिर पूरब की ओर, इधर पूरब की ओर बहते हुए, पूरब की ओर बहते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब चलते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई लगभग है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर लंबी नदी। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, वेनगंगा, है ना, वेनगंगा और पेनगंगा, ये पा रहेगा, ठीक है। दोनों जगह मैंने वे लिख दिया, तो वेनगंगा, पेनगंगा और प्राणहिता, प्राणहिता,
तो वेन गंगा, पेन गंगा और प्राणहिता, ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ये मैंने देखे गोदावरी, यह मंजरी है इसकी, ये वेन गंगा और ये पेन गंगा। तो वेन गंगा, पेन गंगा और मंजरी, ये तीन इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा और भी हैं, वर्धा वगैरह, ठीक है। चलिए बच्चों, अब चलते हैं, इसका प्रवाह कहाँ पाया था, किस क्षेत्र में बहती है गोदावरी। तो गोदावरी का सबसे ज़्यादा प्रवाह जो है ये महाराष्ट्र, लिखा है बच्चों, थोड़ा सा ये गंदा सा हो गया है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसका प्रवाह पाया जाता है। उसके बाद हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या होती है, गोदावरी जो है वो बहती है। तो गोदावरी का सबसे ज़्यादा प्रवाह कहाँ है, महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो ये हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पहली प्रायद्वीप भारत की नदी और सबसे बड़ी नदी गोदावरी। अब चलते हैं, दूसरी नदी कौन सी है, दूसरी है महानदी। महानदी कहाँ है, ये है महानदी, है ना, ये ब्लू कलर से ये है ना, ये महानदी है। तो महानदी जो है वो भी कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में, पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती। अब चलते हैं, महानदी कहाँ से निकली, इसका उद्गम कहाँ से है। तो महानदी का उद्गम जो है बच्चों वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ में, है ना, कि जो उच्च भूमि है, उस उच्च भूमि को सिहावा पर्वत, सिहावा, उस उच्च भूमि को सिहावा पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस उच्च भूमि यानी सिहावा पर्वत श्रेणी से ये क्या होती है, निकलती है और फिर ये बहती है पूरब की ओर। पूरब में ये बहती है और उड़ीसा होते हुए, है ना, पूरब में बहती है और उड़ीसा होते हुए, ये उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ में निकली और पूरब में बहते हुए उड़ीसा आती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 860 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है और उड़ीसा, चार राज्यों में इसका प्रवाह पाया जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो इसमें भी बहुत सारी छोटी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे कुछ के नाम हमने लिखे हैं आपको बताने के लिए। हसदेव आपकी बुक में तो है नहीं, लेकिन मैंने आपको ये नाम कुछ बता दिए हैं, हसदेव, जोंक, तेल, पैरी, अरपा। तेल इसकी बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तेल जो है वो महानदी की बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चलिए बच्चों, अब आती है पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी नदी कौन सी है, कृष्णा, कृष्णा द्रोणी। तो कृष्णा आपकी कहाँ है बच्चों, ये गोदावरी है और गोदावरी के दक्षिण में ये है आपकी कृष्णा नदी, ये है ना, ये कौन सी नदी है, कृष्णा, ये कृष्णा की सहायक भीमा और ये है दूसरी तुंगभद्रा। तो कृष्णा नदी, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते, कृष्णा का उद्गम कहाँ हुआ, इसका महाराष्ट्र में ही पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जगह है, बहुत पहाड़ी जगह है, खूबसूरत जगह है। तो महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट की पहाड़ी से ही हुआ है, लेकिन किस जगह से, महाबलेश्वर के निकट हुआ। इसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी बच्चों, 1400 यानी 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके ये फिर आती है और गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। चले आगे बच्चों, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, इसका प्रवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ है इसका प्रवाह क्षेत्र, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा। तो इसकी सहायक नदियों में हमने दो नदियाँ दिखाई है, एक ये भीमा है और ये जो दक्षिण में आ रही है ये है तुंगभद्रा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब चलते हैं कावेरी द्रोणी यानी कावेरी नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये हमारी कौन सी है,
पांचवी महत्वपूर्ण नदी है। तो कावेरी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका भी उद्गम ये भी कहाँ से निकलती, पश्चिमी घाट की पहाड़ी के कौन सी जगह से, ब्रह्मगिरी श्रृंखला से ये निकलती, पश्चिमी घाट में ही ब्रह्मगिरी श्रृंखला से कावेरी नदी क्या होती, निकलती है। और फिर उसके बाद ये पूरब में तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में ना, कुडलूर के दक्षिण में यहाँ बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, ये तमिलनाडु राज्य है ना, तो कुडलूर के दक्षिण में ये बंगाल की खाड़ी में क्या होती, कहाँ से निकली, पश्चिमी घाट में, कहाँ से, ब्रह्मगिरी श्रृंखला। और पूरब की ओर बहते हुए तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। चले आगे, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है आपकी 760 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र किन राज्यों में है, इसका प्रवाह क्षेत्र है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कहाँ कहाँ, तीन राज्य, केरल है ना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन तीन राज्यों में इसका प्रवाह जो है वो पाया जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी, ये इसकी क्या है बच्चों, क्या है, सहायक नदियाँ। कावेरी नदी जो है इसके निकट भी कई सारे दर्शनीय स्थल हैं। कावेरी नदी पर भारत का एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध जलप्रपात है, वाटरफॉल, जिसको हम शिवा समुद्रम प्रपात के नाम से जानते हैं, है ना। तो एक सुंदर फॉल है जो कावेरी नदी के द्वारा ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है, और जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, फॉल माना जाता है। तो ये हो गई बच्चों हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। एक हमने पढ़ी गोदावरी, एक हमने पढ़ी महानदी, दूसरी तीसरी हमने पढ़ी कृष्णा, चौथी हमने पढ़ी कावेरी। इन चार के अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे ये है दामोदर है ना, जो झारखंड और बंगाल में है, स्वर्णरेखा जो झारखंड में, वैतरणी, ब्राह्मणी है ना, ये सब कहाँ है, उड़ीसा में, पेनार ये कहाँ है आपकी, तमिल आंध्र प्रदेश, इधर कौन सी है आपकी, बेगाई है ना, ताम्रपर्णी, ये तमिलनाडु राज्य में, ये छोटी छोटी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में क्या होती हैं, गिरती हैं। अब चलते हैं, इन नदियों के अलावा भारत में झीलें भी पाई जाती हैं। भारत में दो तरह की झीलें, एक झील वो है जिसका पानी मीठा है, पीने योग्य है, एक झील वो है जिसका पानी नमकीन है, लवण वाला है, खारा है ना, एक झील वो है जो प्राकृतिक है और एक झील वो है जो मानव के द्वारा बनाई गई है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक झीलें और जिनका पानी कैसा है, मीठा है। तो कश्मीर में दो झीलें पाई जाती हैं, एक है आपकी डल झील और दूसरी कौन सी है बच्चों, वुलर झील है ना, डल झील और वुलर झील। अब डल झील और वुलर झील कहाँ है, ये है वुलर और इसी के नीचे कौन सी है, श्रीनगर के पास डल झील, श्रीनगर के पास कहाँ, श्रीनगर में डल झील। तो वुलर और डल झील, वुलर जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है, झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और डल झील तो आप जानते हैं शिकारा के लिए है ना, जम्मू कश्मीर में शिकारे के लिए जानी जाती है, शिकारा जानते हैं ना, जो हाउस बोट होते हैं वो चलाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारी उत्तराखंड में है नैनीताल, भीमताल है ना, मणिपुर में झील है लोकताक झील, ये भी बड़ी खूबसूरत झील है, मेघालय में है बड़ा पानी झील। ये सब कैसी झीलें हैं बच्चों, ये सब मीठे पानी की झील है ना। और एक झील है हमारी राजस्थान में, ये सांभर झील है, इसका पानी कैसा है, इसका पानी जो है नमकीन है, नमकीन मतलब लवण वाला, लवण युक्त पानी है। तो सांभर झील का पानी लवण युक्त है, बाकी सबका पानी कैसी है, कैसा है, मीठा है। और ये सब प्राकृतिक झील है, लेकिन भारत में कुछ मानव निर्मित झील भी पाई जाती हैं,
जैसे एक का नाम है आपका गोविंद सागर जलाशय, ये पंजाब में है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनने से इस झील का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो ये मानव निर्मित झील है। अब चलते हैं बच्चों, नदियों का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। आप जानते हो कि नदियाँ प्राचीन समय से ही मनुष्य के लिए क्या रही हैं, सहायक रही हैं ना, उसके आने जाने में है ना, हर गतिविधियों को नदियों ने प्रभावित किया है ना प्राचीन काल से। इसलिए हमारे जो प्राचीन नगर है ना, शहर है, वो इन्हीं नदियों के किनारे पाए जाते हैं। दूसरे हमारा भारत जो है वो जानते हो कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या जो है अपनी जीविका के लिए कृषि पर क्या है, निर्भर है। और कृषि क्यों यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि यहाँ की नदियों के द्वारा निर्मित क्या है, उपजाऊ भूमि है। और ये नदियाँ ना केवल उपजाऊ भूमि कृषि के लिए उपलब्ध कराती है, बल्कि सिंचाई की सुविधा भी प्रदान करती हैं, है ना। और तीसरा, इन नदियों का क्या महत्व है, ये नदियाँ जो है हमारे देश में नौ संचालन यानी नौ चलाने के लिए, व्यापार के लिए, आंतरिक व्यापार में, और जल विद्युत यानी बिजली निर्माण में, बिजली बनाने में, यानी जल विद्युत निर्माण का मतलब बिजली बनाने में भी इन नदियों का क्या है, बहुत अधिक महत्व है। तो ये लेसन बच्चों हो गया आपका, आज अपवाह वाला लेसन कंप्लीट हो गया। इसमें नदी प्रदूषण है वो आप तो जानते हैं, नदी प्रदूषण क्या है, नदी प्रदूषण का कारण वगैरह ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ होमवर्क के लिए, ये होमवर्क आपकी बुक का क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने बुक से दे दिए हैं, कुछ अभी बाकी थे तो मैंने आज दिया है। तो पहला है, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, लवणीय यानी नमकीन पानी वाली झील है, तो सांभर नमकीन पानी वाली झील है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो आपकी कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। अगर नर्मदा नाम होता है तो नर्मदा, नर्मदा नहीं है ताप्ती तो ताप्ती, नर्मदा ताप्ती दोनों भ्रंश से होकर बहती है। संक्षेप में उत्तर दो, कौन सी दो प्रायद्वीप नदियां गर्त से होकर, गर्त मतलब वही भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो अभी हमने बताया था क्या बनाती हैं, क्या बोलते हैं उनके मुहाने को, क्या बोला जाता है, ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा ताप्ती नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती हैं और समुद्र में गिरने से पहले वो जो आकृतियां बनाती हैं, उस आकृति का क्या नाम है, एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख। दूसरा है, नदियों और झीलों का आर्थिक महत्व बताइए, ये संक्षेप में है, दो तीन लाइन से ज़्यादा उत्तर मत देना। दीर्घ प्रश्न है, प्रायद्वीप पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। प्रायद्वीप पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत आपका।